राजस्थान के नगर भरतपुर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर के द्वारा कस्बे के राजकीय महाविद्यालय की 6 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रचारक को शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। एबीवीपी के शहर जिला संयोजक मयंक सोनी ने बताया कि राजकीय महाविद्यालय के स्वीकृत जमीन पर निर्माण कार्य जल्द से जल्द शुरू कराने, फर्नीचर सफाई कर्मियों व महाविद्यालय की बिल्डिंग की मरम्मत कराने, कॉलेज संबंधी सामग्री आदि की आवश्यकता को पूरा करने को लेकर कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एमएन भदौरिया को शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और कहा अगर 3 दिन के अंदर इन समस्याओं का निस्तारण नहीं किया गया तो एबीवीपी के द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा जिसका जिम्मेदार स्वयं प्रशासन होगा। आज राजकीय महाविद्यालय नगर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रधानाचार्य जी को ज्ञापन शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया है तथा उन्हें 3 दिन का समय दिया गया है। अगर 3 दिन में हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम छात्र शक्ति पूरी उग्र आंदोलन करने को मजबूर होगी जिसका जिम्मेदार स्वयं प्रशासन होगा, क्योंकि पूर्व में ही विद्यार्थी परिषद द्वारा कई बार ज्ञापन दिए जा चुके हैं, धरने दिए जा चुके हैं, कई बार आला अफसरों को समस्याओं के बारे में जानकारी दी जा चुकी है लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया है।